जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हो भैया, आरोप आरोप
आपके बीच में ना जरूरी था वरना आप कहते ही भजन नहीं आ रहा। नीचे में जाओ, मीडिया के लोग खड़े रहे वरना पीछे के लोग दिक्कत हो रही है। आप लोग बैठ जाओ, मीडिया के लोगों को छोड़कर सभी लोग बैठ जाओ। आपका प्रोग्राम है, आपका भाई है, आपके लोग है, आपकी उम्मीद है, उसे चलाना भी आपको है और अपडेट करना भी होने के साथ साथ अनुशासन रखना भी जरूरी है। मेरे साथ के लोगों को फर्ज करना चाहता है, मेरे साथ के मेरे छोटे छोटे नौजवान किशोर भाइयों पर फायरिंग की जाती है। और मुझे ये कहा जाए वाला कप्तान कि चंद्रशेखर तुम्हारे लोग गलत करेंगे रोक लो, तो जब एक तरफ भीड़ होती है और एक तरफ प्रशासन होता है और फायर का आदेश होता है आपका भाई बीच में खड़ा रहना ले करता है तुम्हारे बीच में कुछ गलत लोग खड़े होंगे, तुम्हारा प्रोग्राम बिगाड़ देंगे, शर्म कर लो। मैं साधु ना खड़ा हुआ इतनी दूर से चले पूरे देश से आए यहाँ आप सब लोगों का स्वागत करता आपका भाई और एक विश्वास दिलाता है आपको कि पूरी पूरी ये जो कम्युनिटी है जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं लहू के आखिरी कतरे तक लड़ी जाएगी। लहू के आखिरी कतरे तक रुके हैं, न झुके हैं, न बिके हैं और मोदी गवर्नमेंट में नहीं पूरी दुनिया की किसी गवर्नमेंट में तो लोग नहीं पड़ा जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के काशीराम का आदेश मानता हूँ। मान्यवर काशीराम साहब का आदेश मानता हूँ। वो ये कहते थे कि लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी ताकत होती है, मगर मैं कहता हूँ कि जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि नहीं पा सकता है जगह सोम करके लगा लो, कुछ भी कर दो, चंद्रशेखर को झुकेगा नहीं, मगर क्या मेरी कौन मेरे साथ है जरा हाथ कर सकता तो विश्वास दिलाता हूँ आपको और उन सब लोगों जिन्होंने दो दिन खुद लाठिया सही खुद भीग लागी और अपने भाइयों के साथियों को यहाँ सर छुपाने की जगह थी, उन सब साथियों के नाम आज सार्वजनिक नहीं करूंगा क्योंकि पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार करने की चक्कर में पड़ जाएगी। लेकिन जब भी जेल से बाहर वापस आऊंगा उस एक एक शख्स से तुम्हें मिलाऊंगा जिन लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी मेरे साथ में। अपने साथ जेल जाने के बाद उस कमांडर छोड़ के जा रहा हूँ जो मेरे बाद जो निर्णय लेंगे वो आप लोगों को मानना होगा, स्वीकार है तो हाथ उठाओगे। भाई विजय रतन सिंह जो बीमार लगे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस टीम को लीड करेंगे और युवा शक्ति दल से रवि कुमार गौतम जो छोटा भाई है मेरा वो इस टीम को लीड करेगा। मेरे लिए दोनों बराबर है लेकिन संघर्ष बहुत लोगों ने किया है। एक नाम और लेना चाहता हूँ सब लोग सुन ले, एक तो इस कमेटी के संरक्षक है जय भगवान यादव जी, पुलिस गिरफ्तार कर भाई को चार मंदिर पे और 50 लोग बिल्कुल गनमन लेके तो चार मंदिर से गुजरा आपका भाई क्योंकि यहाँ तुम्हारे बीच में आना था प्रापायर नहीं हुआ बीच में आना था इसलिए चार बजे से पूछा जो लोग झूठ कहते हैं गिरफ्तार नहीं कर रहे जो 50 लोग आए थे गिरफ्तार कर रहे हम लेंगे गिरफ्तारी हम नहीं करते गिरफ्तारी से गिरफ्तारी तो क्रांतिकारी पैदा करते हैं लेकिन इस मूवमेंट को तुम्हें संभाल के चलाना है बहुत संभाल के। ये लोग जो अपना खुद करते हैं ये
लोग गंगा खुश करते हैं और नाम तुम्हारा नहीं देते हैं, याद रखना इस बात को। तुम्हें समझने की देर है, तुम्हें समझने की देर है कि प्रोग्राम तुम्हारा होता है, कुछ लोग आके बवाल करवाते हैं और नाम तुम्हारा खराब होता है। फौजन मूवमेंट और भीम आर्मी और बाबा साहब के बच्चों का नाम खराब होता है। अपने दिमाग की बत्ती जला कर रखो, ऐसे लोगों को नहीं घुसने देना अपने बीच में, समझते हो? एक काम और ले रहा हो, सुनो। वैसे तो इस चीज को चलाने के लिए बहुत सारे छोटी छोटी बूंदों से बारिश की धाराएं बनती है, धाराएं और वो धाराएं नदियों में गिरती है और वो नदियां शहरों में गिरती है और वो जहाँ सागर में गिरती है, सागर बहुत विशाल होता है जिसकी गहराई में नापी जाती है। जब लक्ष्य एक है, जब लक्ष्य एक है, जब लड़ाई एक है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भीम आर्मी आपके लिए लड़ने का काम करी, क्या साथ खड़े होंगे बताओगे? ना किसी का मान कम होगा, ना किसी का सम्मान कम होगा, लेकिन जो भाई सच्चे मन से नेक नियत और सच्चे दिल से कम्युनिटी के लिए काम करेगा उसका जवाब पसीना गिरेगा। भीम आर्मी के लोग मैं जो हूँ बाबा साहब को मानता हूँ, मैं बाबा साहब की विचारधारा को मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि बाबा साहब ये कहते हैं कि जिस कौम का युवा देखो कुछ लोग प्रोग्राम बिगाड़ने काम कर रहे हैं, मैं मंच से जा रहा हूँ, थोड़ी छीट कर दो, देख लो आपके बीच में कौन लोग हैं जो आपकी व्यवस्था खराब कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ी सी छीट कर दो यहाँ से, तो मुझे पता लगे कि गद्दार यही मेरे पास के लिए। मंच थोड़ा सा छोड़ दो यार, ये मंच आपका है, ये प्रोग्राम आपका है, ये सम्मान आपका, थोड़ा सा छोड़ दो। मैंने कह रहा था कि बाबा साहब ये कहते हैं जिस कौन का युवा जीते जिस कौन की लड़ाई लड़ता है वो मरकर भी अमर हो सकता है, जैसे बाबा साहब मंदिर में चिराग था। जिस कौन का युवा जीते जी अपनी कौन की लड़ाई नहीं लड़ता वो जीते जी भी मरने का सम्मान होता है, याद रखना इस बात को। अब तुम्हें क्या करना है, जब मेरी बहनों का अपमान होता है उन सरकारों को सजा मिलनी चाहिए, हम मिलनी चाहिए। ये मक्की
ना तो बोगस रूट का जाता नहीं था आसान जिंदगी में जाने को और सुनो ये भी वादा करता हूँ कमल वाले से कि मुझे राज्य सुरक्षा नहीं है कभी भी ना कभी रहेगी लेकिन इस लड़ाई को तेरे साथ में ठंड खराब होने लगा तेरा बलिया कर लेगा मुझे मजा नहीं आएगा बोलने में अगर आप लोग निशान करें क्यों मजा चुप एक बहुत सारे नामों की लिस्ट की मेरा फोन मुझे मेरा दे दो उन लोगों को देख तो तुम नहीं पाओगे यही है वो लेकिन उनके नाम जरा कान खोल के सुन लेना ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ काम करके लड़ाई कर दिया राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय गौतम रोहित राज गौतम दीपक बोस रोहित गोडिया सतीश गुड्डा बेटा दौलत राम विजय प्रवीण भाई टिंकू गहेदास विनोद नीतू नायक दिनेश संजय वर्मन अनुज कांडवाल विक्रमपुरी सचिन वालिया अरविंद वालरा राजन गौतम शिवम खेवड़िया टीकम बोस टिंकू अरविंद मालवी राम कुमार सुखविंदर प्रदीप रामनगर और संदीप जानीपुर सागर नीरज भाई हरिद्वार भेल वाले प्रतीक भाई भेल वाले सचिन भाई भेल वाले बब्बल भाई गोविंद गलीजा दीपा पीर मायरा प्रदीप सचिन मनोज सचिन सरवाला अर्जुन रामनगर सचिन प्रधान अर्जुन चोरीबंदी टिंकू नागर ये नाम है जो संघर्ष में जिन्होंने मुकदमे भी झेले हैं और आज अपने घर से पढ़ाए होकर आप लोगों के भरोसे घूम रहे हैं वही नहीं है पिछली बार भी तो सात प्रदेशों में थी लेकिन आज पूरे देश में आप लोग के बीच में दूसरी बात एक नाम की लिस्ट और सुन लो जिसे मैं जानता हूँ जिसे मैंने पढ़ा भाई संजीव यादव भाई रवि कुमार गौतम नरेश उर्फ अय्या भाई मंजीत बारा परवीन बसरी कुलदीप सरोया और रविंदर तवर कुलवीर तवर उसके साथ विजय जाटव मेरा बड़ा भाई है बहुत सम्मान करता हूँ मेरा भजन लाल जाटव जान है हमारी और संघर्ष कर रहा है हमारे साथ ऐसी ये युवा शक्ति दल की पूरी टीम अगर इनके लिए खून भी निकाल कर दे दू तो कम होगा इतना काम किया है इन लोगों ने पूरे देश में मुकदमे झेल रहे मेरे भाई पूरे सहारनपुर उत्तर प्रदेश और पूरे देश में निर्दोष भाइयों ने मुकदमे झेले या जितने भी संगठन यहाँ आए हैं चाहे वो निकाय हो चाहे वो नक्शे हो चाहे वो लोन मुद्दा मुनिकल अकेडमी हो चाहे वो राष्ट्रीय शोषित परिषद हो दलित परिषद हो जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ एक सुन ले कि आपका भाई दिल से आपका इज्जत करता है और जिस दिन जेल से बाहर आऊंगा घर भी जाऊंगा पहले आप लोगों से मिलने आपके गांव में और आपके शहरों में और आपके राज्यों में आपको बारे में अच्छा सुन लीजिए मुझे 10 मिनट का समय चाहिए क्योंकि मेरी तबीयत बड़ी खराब है मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है अगर आप सच में पेड़ करवाती है तो यही बैठने का काम करें जो मैं अपनी बात आप लोगों की दोबारा रख सकूँ मुझसे खराब नहीं होगा तो बैठ जाओ सभी भाई जी एक बार सहदेव सहदेव मेरा भाई बयान मरूम तीन कपराला भाइयों बहुत काम की बात सुनो तो बताने जा रहा हूँ मैं पूरे देश से जानने वाले मैं दोबारा उनका एक हाथ उठा के स्वागत करता हूँ
और नमन करता हूँ कि आपने जो सहयोग दिया इसे चंद्रनगर जीवन भर नहीं भूलेगा, ये बात याद रखना आप लोग। पहलों के सम्मान में एक बार को कुछ गलत कदम उठा बैठे, लेकिन हम अम्बेडकरवादी है, ऐसा नहीं करते। इसकी जरूरत नहीं, आप हटा लीजिए, मरने वाला नहीं है चंद्रशेखर, इसकी जरूरत नहीं दीजिए। जो भाई यहाँ मौजूद है, जरा एक बार कान खोल के सुन ले, चुप हो गए। ये लड़ाई की तो आज शुरुआत हुई है, सुन लो अच्छी तरह से। ये जो लड़ाई तीसरी आजादी की लड़ी जाएगी, इसकी आज सिर्फ शुरुआत हुई है। ये लड़ाई कितने सदी तक चलेगी, कब तक चलेगी, जब तक जीते रहेगी तब तक चलेगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक और चीज, मैं जेल चला जाऊंगा, कोई प्रोटेस्ट मत करना, मैं जेल चला जाऊंगा, कोई धरना मत करना, लेकिन सब वीरपुर में चले हुए 56 घर, वो 25 दुकानें, मेरे वो पुत्रा भाई और बहन जो अस्पताल में पड़े हुए, और जिन निर्दोष लोगों में, चाहे वो सचिन अम्बेडकर हो गाजियाबाद से, चाहे वो आर अम्बेडकर हो, चाहे वो अर्जुन हो, जितने लोग पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, अपने ज्ञापन में पूरे देश के अंदर 23 तारीख से ज्ञापन देना और इस शासन सत्ता को बताना कि उन निर्दोष लोगों से मुकदमे हटा कर दिया करो, उनके बराबर में चंद्रशेखर जिम्मेदारी लेके जेल जाने को तैयार है, मेरे लिए कोई धरना मत करना। पूरा सहयोग मिलता है, लोग पड़े रहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, अगर संविधानिक दायरे में एक बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो कितने दिन मेरी कौम के लोग काम छोड़ जाएंगे, जरा मुझे बताओ। अरे बैठ जा भाई, बैठ जा, जो हाथ खड़ा करे, जो 2 महीने के लिए आ सकते हो, जो 1 साल पूरे जीवन के लिए अपनी कौम को आज ये भरोसा कर रहा हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि बहुजन मूवमेंट हम आप लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे, पूरे मुस्लिम भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को, पूरे दलित समाज को, वाल्मीकि समाज भी हमारी कौम है, हमारे भाई है, तुम्हारी सबकी लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। गैर राजनीतिक रूप से जो हमारी तरफ कोई हाथ ना उठा सके, याद रखना इस बात, क्योंकि राजनीतिक लोगों के हाथ कटे होते हैं, उन्हें वोट मांगने के लिए सबके आगे हाथ जोड़नी पड़ती है, ना झुका है ना झुकेगा, ये बात याद रख लेना आप लोगों। आज इस प्रोग्राम को कराने के लिए जय भगवान जाटव जी के साथ बहुत सारे लोगों ने, दिल्ली, गाजियाबाद, NCR, नोएडा के लोगों ने बहुत सारा सहयोग किया। दयाराम यादव मेरे बड़े भाई भी हमारे साथ रहे, अगर किसी का नाम छूट जाए, अबे मेरे भाई जो बैठे लोग गुड़गांव से हैं वो भी हमारे साथ, ऐसे सभी भाई, चाहे वो अशोक कंसल हो, चाहे वो आरके गौतम हो, चाहे वो कहीं से पूनम अम्बेडकर हो, मिलन गौर हो, पूरे चाहे वो किसी भी प्रदेश से हो, मैं उनसे बात करता हूँ कि मेरा फेसबुक और मेरा व्हाट्सएप बंद है, लेकिन सतपाल सवर, विजय रंजन सिंह, रवि कुमार गौतम, कमल सिंह वालिया,
जो पोस्ट के लिए भरोसा कर लेना कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद निकल जी। ये जो लड़ाई है ना लड़ाई, ये लड़ाई है समानता की, ये लड़ाई है शोषण के खिलाफ, शोषण के खिलाफ करने के लिए नहीं लड़ रहे, ये बात याद रखें आपको। और जो लोग मुझे ये कह रहे थे फोन करके मैसेज करके मेरे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां देते हैं, मैं उन्हें एक ही सवाल में बता देना चाहता हूँ कि हम शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर कहते हम ताकतवर होकर शोषण करने पे आए तो विदेशी भाग जाएंगे यहाँ। हम इसे नहीं टूटने देंगे, लेकिन हम इस देश के शासक है, जैसा बाबा साहब ने कहा था हम शासक बन के रहेंगे। और सुन लो, सारे मनुष्य की तमन्ना अब हमारी है, और बता देंगे तुझे आत्मा हम अभी से बतन क्या हमारे की। संविधान के होने के बाद भी न्याय नहीं लोकतंत्र है ना देश में। वो कभी कसरत जो जज साहब है वो भी तो दलित है, देख रहे हो तुम्हारे जजों के साथ भी क्या किया जाता है। भारतीय अनुसूचित जाति एम्प्लॉयज वेलफेयर यूनियन एसोसिएशन समर्पित अपने हरिद्वार से मिली अध्यक्ष अरुण जी, कुलदीप जी, सम्मान्य साथी एस पी सिंह जी, परमपाल सुशील मंजी जी हो गए, जितने भी सब लोग, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। हाँ भैया, मैं उस जज के लिए कहना चाहता हूँ कि जज साहब आप हिम्मत ना हारे, राजनीतिक लोग आपका साथ नहीं देंगे लेकिन सामाजिक लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर इस देश में कोई न्याय की बात करता है तो उसे लोग नक्सली और आतंकवादी कहते हैं। इस देश में कोई व्यक्ति जैसे हमने वो बना के भेज रखे थे 131 एमपी आरक्षित सीटों पर एससी एसटी के, वादा करो कि ऐसे नक्काम लोगों को तुम लोग संसद में नहीं भेजोगे। हाथ उठा के वादा करो। जो लोग आज जान दे अभी उनके कौम के लोग मर रहे हैं, उनकी कौम की बहनों की चले नीलाम हो रही है, और वो विधायक यूपी गवर्नमेंट में जो लोग हैं चुप बैठे हुए, ऐसे नालायकों का भी मुंह काला करना आने वाले समय में याद रखें। अभी मैं एसपी से 10वीं से हमारे साथ है, अंतिम लाइन में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के बीच से जाऊंगा, हमारी सारी टीम जो लगी हुई है वहां से सरेंडर करेंगे, यूपी पुलिस क्राइम ब्रांच यहाँ जितने भी लोग मेरे हैं वो यहाँ से जैसे आए थे ऐसे ही माहौल से जाएंगे। लेकिन 23 तारीख को पूरे एक दिन के लिए काम छोड़कर डीएम के यहाँ ज्ञापन दोगे अगर ये वादा करके, तो ये अगर कन्याकुमारी में दलित समाज पे ओबीसी समाज पे या अल्पसंख्यकों पे शोषण होता है और कश्मीर तक अगर ये आवाज ना जाए तो कोई फायदा नहीं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का। ये कहा इतनी सी बात हो उसके लिए पूरे देश में विरोध हो तो मेरी बहनों का अपमान नहीं करे। और लोग ये कहते हैं फेसबुक पे कि वो तेरे दूसरे के बहने को जिनके खुद के घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पत्थर फेंकते हैं क्या? मैं ऐसा बेटा हूँ जन मूवमेंट का जिसकी लाखों करोड़ों बहने हैं जिनकी सुरक्षा के लिए मैं लड़ रहा हूँ, मैं दूसरों की बहनों को क्या होगा? मैं तो पूरे देश की सभी बहनों की सुरक्षा के लिए लड़ना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, मेरी विचारधारा वो चलती रही है। मैं मानता हूँ कि मेरे गांव के साथ रावण लगा हुआ है ना,
रावण क्यों जल, वो जाति की वजह से रावण नहीं है, वो रावण ये इसलिए है, वो रावण इसलिए है कि रावण अपनी बहन के सम्मान के लिए अपना सब कुछ खत्म करता है, याद है ना। लेकिन सीता को लाने के बाद भी उसे नहीं छूता, उसका सम्मान करता है, ये है रावण। महिलाओं की इज्जत करने वाले चाहे बाबा साहब हो और चाहे रावण हो, मैं उन सबका बेटा हूं, मैं उन सबका आदर, उनको आदर्श मानता हूं, मैं उस व्यक्ति को आदर्श मानता हूं जिसने ये कहा कि मैं कभी ना कोई दूंगा, ना कोई मकान बनाऊंगा, ना मेरी भाष मेरे घर जाएगी, ना कोई खाता खोलूंगा, मैं बाल्यवर साहब काशी राम का बेटा हूँ। मैं जब तक मैं जब तक जीऊंगा अपनी कौम के लिए जीऊंगा, वरना मैं जीना पसंद नहीं करूंगा, ये वादा करता हूं आप लोगों। सत्तानवे इकसठ डबल थ्री फोन में नोट कर लो भैयो। हाँ देखो फोन कितने सब लोगों के पास है, फोन 97 61 3 8 4 6 4। विनय रतन सिंह जी का अपना नंबर है, सब लोग अपने फोन में डायल कर ले, 97 61 3 8 4 6 4। ठीक है, एक दूसरा नंबर और लिख लीजिए, पहले यही दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो, 97 61 33 84 64, ये विनय भाई का है, और 95 82 81 6007, ये रवि कुमार गौतम दोनों भाइयों के नंबर है, 95 82 81 6007। ये अगर आपको कुछ कहे तो ये आवाज जो है वो गेट चंद्रशेखर आजाद की आवाज है। अच्छा सुन लिए, एक नंबर और नोट कर लीजिए उस भाई का जिसने अपने अपने रोजगार की कुर्बानी दी है, 7037 7037 84 5444 कमल सिंह वालिया। जैसे जेल से आएगा आप लोगों के साथ जुड़ा रहेगा, भीम आर्मी का पेज भी है, भीम आर्मी के व्हाट्सएप ग्रुप भी है, 70 37 84 54 34 84 54 54, ये कमल भाई का नंबर है। और सुन लो, आज अपने घर पर जाकर एक चीज और लिख देना, सब लोग हाथ उठा के बताओ लिखोगे या नहीं लिखोगे, हम इस देश के शासक हैं, मूल निवासी इस देश के शासक हैं, और हम मर जाएंगे लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तरफ नहीं जाएंगे। अपनी कौम का मैं एजेंट हूं, उन माताओं बहनों का जो जब से मैं बाहर हूं खाना भी नहीं खा रही है मेरी बहन, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं उनका एजेंट हूं, अगर उनकी तरफ उंगली उठी तो चंद्रशेखर उधम सिंह भी बन सकता, ये बात याद रखना। मैं उधम सिंह को मानता हूं और मैं ये बता देना चाहता हूं, मेरा भाई जिग्नेश मेवाणी भी गुजरात से यहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, ये कच्चेदारी, ये संगी, देखो इनके नाम पे माइक भी बंद होने लग जाता है, ये वो नीच लोग हैं जो जाति धर्म के नाम पर लाखों साल हजारों साल से तुम्हें नोचते आ रहे हैं। अगर ये किसी चीज से डरते हैं तो डरते हैं बौद्ध धर्म।